मिशन शिक्षण संवाद की तरफ से दर्पण न्यूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए डालते हैं नजर आज की मुख्य खबरों पर। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरहा विकास खंड सुरसा हरदोई में जिलाधिकारी महोदय CDO व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर कक्षा 6 के अभिषेक कुमार के द्वारा रण बीज चौकड़ी भर भर कर कविता सुनाने पर सभी अधिकारियों द्वारा सराहा गया। विद्यालय को आगे की ओर अग्रसर करने के लिए शिक्षकों को शुभकामनाएं भी दी गयी। विद्यालय में हो रहे अच्छे कार्यों के कारण यहां पर पहली खगोल विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कम्पोजिट विद्यालय जमुआ मड़ियाऊ जौनपुर में मेधावी छात्रों को साइकिल भेंट कर सम्मानित किया गया। रजमलपुर उर्फ नवापुरा में प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में स्मार्ट कक्षा, 4 दीवारी के उच्चीकरण, प्रवेश द्वार व दिव्यांग शौचालय का लोकार्पण मुख्य अतिथि बांसडी विधायक केतकी सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि बच्चों में कलात्मक अभिरुचियों का विकास करना ही वास्तविक शिक्षा है। राजकीय प्राथमिक भगतवाली ब्लॉक नारसन जनपद उत्तराखंड में कर्मठ एवं निष्ठावान सम्मानित शिक्षिका श्रीमती ममतेज धीमान जी पदोन्नति के होने पर एवं CRC से राजवीर सिंह जी के सेवानिवृत्त होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ विदाई दी गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा श्री संजय सिंह व समेकित शिक्षा समन्वयक श्री संजय मिश्रा की उपस्थिति में 5 दिवसीय समर कैंप का समापन व प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन प्राथमिक विद्यालय कुसैत विकास खंड अवागढ़ एटा में हुआ। समर कैंप में सीखी गई गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण BSA के सामने किया गया, जिसकी उन्होंने सराहना की। समर कैंप में उत्कृष्ट सीखने वाले बच्चों व नवीन नामांकन वाले बच्चों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने पुरस्कार भी दिया। प्राथमिक विद्यालय तारापुर ब्लॉक बनिया खेड़ा जनपद संभल में 10 दिवसीय टाइकोंडो शिविर का समापन समारोह मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती दीपिका चतुर्वेदी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद संभल ने सबका उत्साह वर्धन करते हुए प्रेरणादायक शब्दों से सबको लाभान्वित किया। प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर डाल विकास खंड बनिया खेड़ा जनपद संभल में विद्यार्थियों को ई पाठशाला से जोड़ने एवं दीक्षा ऐप से शिक्षण अधिगम हेतु LED स्मार्ट TV लगवाया गया। स्व प्रेरित शिक्षकों के प्रेरक शिक्षक समूह संभल के सौजन्य से विद्यालय को ये LED प्रदान किया गया। उत्तराखंड मिशन शिक्षण संवाद से शिक्षक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी ऑनलाइन के माध्यम से निःशुल्क कराने की शुरुआत की। इस अभियान में सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला कोई भी छात्र आवेदन करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकेगा। प्रधान अध्यापक श्री कप्तान सिंह तोमर और एक्सपर्ट के तौर पर लोकेश पालकर, सहायक के तौर पर नितिन गुप्ता के नेतृत्व में उच्च प्राथमिक विद्यालय नीनावली जागीर ब्लॉक रामपुरा जनपद जालौन में आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप के अंतर्गत आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल एवं कागज के पेपर के माध्यम से कई सारे साज सज्जा सामान बनाना आदि सिखाया गया। प्राथमिक विद्यालय परसा माफी एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय परसा माफी विकास खंड सोंदा जनपद संत कबीर नगर में ग्रीष्मावकाश से पूर्व योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों ने भी योगाभ्यास किया तथा विद्यार्थियों को घर पर भी नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम नव्या भव परिसर उत्सव दैनिक जागरण द्वारा विद्यालय प्रतियोगिता में माननीय जिला अधिकारी महोदय आर्यका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोपीगंज की छात्रा संजना सोनी को सुलेख प्रतियोगिता में जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय करबल ब्लॉक जागनेर आगरा में बाल मेले का आयोजन हुआ। छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्टॉल भी लगाया। उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ावत कंपोजिट में हरित प्लांट ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर आधारित केवल एक पृथ्वी विषय पर आर्ट एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ावत के कक्षा 5, 6, 7, 8 और बड़ावत के प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 के कक्षा 5 के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल द्वारा दोनों वर्गों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान एवं सांत्वना पुरस्कार के लिए बच्चों का चयन किया गया।
जिनको कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरित प्राण ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर सुभाष जैन, विशिष्ट अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी प्रकाश चंद तथा वन दरोगा रवि चौधरी द्वारा पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर बच्चों को सम्मानित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया। मिशन शिक्षा संवाद द्वारा काव्यधारा में इस रविवार 15 मई को एक शाम एक कवि का आयोजन किया गया। एकल कवि श्रृंखला की इस कड़ी के कलमकार रहे अशोक पब्लिक स्कूल चित्रकूट उत्तर प्रदेश के शिक्षक वसु कवि श्री श्री नारायण तिवारी जी, उनके साहित्य खजाने में कविताओं का विशाल संग्रह है, कहानियां हैं और उनके पास उम्दा उपन्यास भी हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक सारगर्भित रचनाओं का काव्य पाठ बड़ी शिद्दत से किया। उनके सुरीले अंदाज से काव्यधारा मंच तालियों के महोत्सव में तब्दील हो गया। उनकी उत्कृष्ट रचनाओं में गुरुदेव, आदरणीय हरिराम गुप्त, निरपेक्ष जी का स्नेह सानिध्य बखूबी परिलक्षित हुआ। दर्शक व श्रोता दीर्घा के सभी विद्वत जनों ने श्रेष्ठ टिप्पणियां करते हुए बड़ी तन्मयता से आपको सुना। दर्पण न्यूज में आज की खबरें बस यहीं तक। अगली रोचक खबरों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।